press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मगर देखिए ये चीजें रूल आउट नहीं करनी चाहिए. मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों तरफ कन्वेंशनली भी और नॉन कन्वेंशनल तरीके से भी दोनों मुल्क जो है वो बड़े हैवीली आर्म्ड हैं. और जनरल साहब आपको बताएंगे कि रिएक्शन टाइम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज लेस देन 3 मिनट्स. तो अगर कोई सीरियस एक्शन हिंदुस्तान लेता है और आपके लीडर्स कहीं यहाँ सोए हुए होंगे या कहीं नान कबाब खा रहे होंगे अल्लाह जाने, बट रिएक्शन टाइम जो है वो आपके पास यू हैव लेस देन 3 मिनट्स. तो मेरा मतलब कोई आपका कोई ऐसा इस वक्त कोई ऐसी बॉडी है जहां पर ये बड़े बड़े फैसले होंगे हिंदुस्तान में? मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम हो रहा है. हमें इस चीज की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. उनके जनरल रावत ने तो आपको पता है पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो रियलिटी है. समझा नहीं? उन्होंने उसने पहली दफा, यानी कि पहले तो वो एम्बिवेलेंट पोजीशन लेते थे, अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ये बिल्कुल है. और आप देखिए उनके उन्होंने जो कश्मीर में वो इस आदमी को जो जीत पर के सामने बांधा और उसके बाद उसको मेडल दिया, कोई यहां से रिएक्शन हुआ है? ठीक है. मेरा मतलब कि यानी उसने इंडियन जनरल ने समझिए कह रहे अहम अकाना बात, यानी कि उसने जिस अफसर ने वो काम किया उसको अवार्ड दिया. अब आप सोचिए कि किस लेवल पर वो लोग पहुंच गए. रियाज खोखर साहब, जरा जो आपने ये बात की है मैं उसका जवाब ले लूं. रियाज खोखर साहब ने जो बात की है रिएक्शन टाइम की और वहां पे मतलब इस पे जन साहब जरा एक इन्फॉर्मेशन तो शक शुबे की गुंजाइश नहीं, इसीलिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है. अब मैं आपको थोड़ा सा अपना तजिया देता हूँ कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है. अगर आप इजाजत दें, मुझे नहीं पता अगर पहले बात हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ये अमेरिका की तरफ से ये बात का आना और ये कहना कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. बात ये है, दो बातें हैं कि एक तो कश्मीर की इंतफादा तहरीक इनके काबू में नहीं आ रही और सी पैक जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है. ये दोनों चीजें बहुत खटकती हैं इन दोनों मुल्कों को, कश्मीर हिंदुस्तान को और सी पैक इन दोनों को. तो ये मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक काविश है इनकी कि एक तो कश्मीरियों की हर किस्म की मदद से हमें दूर रखा जाए, कि उनकी सफारती मदद भी हम ना करें, उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी हम ना उठाएं, हमें डरा के रखें कि आपने कश्मीर का नाम भी लिया तो हम ये कर देंगे, ताकि वो अपने काम करते रहें. और दूसरा सी पैक को थोड़ा सा धमकाने के लिए, थोड़ा इसको खटाई में डालने के लिए, थोड़ा इसमें शक शुबा पैदा करने के लिए कि ये तो सेफ रूट ही नहीं है जबकि दो मुल्कों का आपस में ये है. तो मेरा ख्याल लुबे लबाव इसका यह है कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हो सकता है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई छोटा मोटा इन्फो ऑपरेशन ये कर दें. इससे बड़ा काम करने की मेरे ख्याल में उनमें जिगरा नहीं है. जैन साहब, अगर ये छोटा मोटा काम कर दें जाहिर है हमारी तरफ से भी फिर रद्द अमल जाएगा. आज वो तो होगा, मतलब हमारा रद्द अमल क्या, वहां पे तो मीटिंग्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है. यहाँ पे कौन सी, आप तो सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, यहाँ पर फोर्स वो मीटिंग सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके जिम्मे ये काम होता है. होना तो ये चाहिए कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग आज होनी चाहिए थी जब ये बात हुई, जब उनके एयर चीफ ने 2 दिन पहले कहा, फौरन बाद उसके ये होनी चाहिए थी. जब अमेरिका कह रहा है कि भी हमें इस किस्म की इतला मिली है, आज शाम को तो सबको मिलकर बैठा होना चाहिए था. अभी तक तो मेरे पास इतला कोई नहीं है, अगर आपके पास है तो मुझे मालूम नहीं. तो आपका क्या ख्याल है कि अगर वो नहीं बैठेंगे जिनके जिम्मे है, तो जिन्होंने एक्चुअल जाके लड़ाई करनी है वो भी नहीं बैठेंगे? वो जरूर बैठे हुए होंगे, वो कर रहे हो मतलब, और फिर ये जिम्मे लग जाएगा कि देखो जी फौज फॉरेन पॉलिसी चलाती है. फौज भाई क्या करे फौज, जब आपका वो दुश्मन कह रहा है कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, आपके कांव पे कान पे जूनी रिंग रही, तो फौज अपनी तैयारी ना करे, उसका वो इजहार ना करे कि हम तैयार है? क्या रियाज खोखर.